ओम यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। मैं आदरणीय श्री आशीकरण कुमार चेयरमैन इसरो एवं सचिव अंतरिक्ष विभाग से निवेदन करूंगा कि अपना स्वागत उद्बोधन करेंगे। परम पूज्य गोवर्धन माता कपिल धोदिन जगत गुरु स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, यहाँ पे इकट्ठे हुए सभी इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के सहयोगी, आज हमें जगत गुरु स्वामी जी के दर्शन और उनके आशीर्वाद मिलने का एक अच्छा सुमुहूर्त मिला है। इसके लिए हम उनके प्रति हमारा आभार प्रकट करते हैं। हमारा हिंदुस्तान में बहुत सदियों से सेलेस्टियल बॉडीज या आकाश के प्रति बहुत सारे हमारे ऋषि मुनियों ने अपने विचारों से और अपने क्षमता से बहुत सारे माहिती और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किए हैं। आज के वैज्ञानिक युग में जो साइंस जो बोलते हैं, साइंस का जो प्रगति का एक मार्ग है और उनका जो प्रयत्न है और हमारे पहले के ऋषि मुनियों का प्रयत्न, दोनों हम ये जो कहते हैं सत्य या पूर्ण सत्य, इसका खोज के लिए है। आज का मानदंड अलग है और पहले हमारे ऋषि मुनियों का मानदंड और उनका जो प्रयत्न करने का तरीका बहुत अलग है, मगर दोनों का एक ही मकसद है, वो पूर्ण सत्य जो बोलते हैं, सत्य का शोध करना। इस प्रति हमारा जो आजकल के या हमारा इंडिपेंडेंस के बाद के जो भी लोग आए, उनको पहले ऐसा लगता था कि हमारा जो हेरिटेज है और हमारे देश में और पहले भारतवर्ष में जो भी ऋषि मुनियों ने जो किया है वो सराहनीय नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों की मान थी। मगर हमको ये समझना है कि जैसे ही पहले से हमको बताया गया है, हमारा हेरिटेज का भी ये मानना है कि सत्य को शोध करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, कोई भी एक तरीका दूसरे से अच्छा है ये नहीं है, और हर एक को अपना अपना तरीके से करने का अवकाश है और क्षमता है और उनके क्षमता के हिसाब से ये कर सकते हैं। इस दृष्टि से देखेंगे तो हमारा जो पहले से जो आया हुआ हेरिटेज नॉलेज जो है वो इस पृथ्वी पे सस्टेनेबल लिविंग जो बोलते हैं उसके प्रति बहुत ही सराहनीय कार्य चलता था, मगर अभी साइंस के प्रगति होते हुए मानव के जो एक्सप्लॉयटेशन है जो बोलते हैं, जो इंस्टेंट एडवांटेज या इंस्टेंट रिजल्ट्स जो लाने का जो उसके प्रति उनका जो मनोभाव है मानव के, उसके वजह से आज हम पृथ्वी पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन के वजह से बहुत सारे दिक्कतें जो हम देख रहे हैं, ये दिक्कतों का भी अगर कोई समाधान है वो समाधान शायद हमको हमारा पूर्वजों का और ऋषि मुनियों का जो कहना है उसमें से हम ढूंढ सकते हैं। आज का जो विज्ञान काफ़ी तरक्की हुआ है, हम मंगल और
चंद्र के पास भी जाके उसमें जो कार्य चल रहा है उसके बारे में हम उपकरणों से माहिती ले सकते हैं, मगर ये सब इन उपकरणों के बगैर भी मानव उसके बारे में सोच सकता था, उसके बारे में जान सकता था, ऐसे माहिती मिल सकता है। और जैसे स्वामी जी है, उन्होंने भी मैथमेटिशियन है खुद, और उनका भी काफ़ी पांडित्य है इसमें। आज के दिन में हमको ये देखना है कि कोई भी हम जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी जो कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जैसे हम हमारा जो साइंटिफिक तरीके से हम माहिती जानते जाते हैं, हमको ये पता चलता है द मोर वी नो द मोर वी लर्न द लेस वी नो। सीखने के लिए और भी बहुत सारे विषय हैं, इतने सारे विषय हैं, हमारा नॉलेज अभी भी बहुत कम है। अगर ये मान के हम चलेंगे तो आगे भी बहुत तरक्की कर सकता है हिंदुस्तान, और ऐसे कार्यों में हम हमारे ऋषि मुनि और ऐसे महान भाव और जगत गुरु जैसे लोगों से बहुत सीखने को मिलता है। आज हमको इनसे आशीर्वाद लेने का एक मौका है, हम इसको हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण समय मानते हैं। थैंक यू। केंद्र के निदेशक श्री तपन मिश्रा साहब निर्मल द्वारा की वो स्वागत और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।
शंकराचार्य जी का निजी सचिव श्री निर्मल पनारत जी आज हमारा बीच में है। और मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत छोटे आदमी हूं, उनको उनका व्यक्तित्व विवरण करने में और मैं उसका प्रतिष्ठा करूं। परम पूज्य स्वामी जी 1943 में वो नॉर्थ ऑफ इंडिया का हरिपुर बक्सीतुल ग्राम पे जन्मग्रहण किए थे। उनका गृहस्थ नाम था नीलम्बर जी और उन्होंने बहुत मेधावी छात्र थे और उन्होंने संस्कृत विज्ञान और गणित में काफ़ी रुचि दिखाए थे अल्प उम्र से। और 16 बरस में उनको स्पिरिचुअल के प्रति आकर्षित हुए और वो ज्योतिष मठ के शंकराचार्य जी के आशीर्वाद लेने उनका उधर उपस्थित हुए। उनका सन्यास जीवन का नाम था ध्रुव चैतन्य जी। परम पूज्य स्वामी जी 1992 में पूरी की गोवर्धन मठ जो हमारा भारत का पूर्व भाग पे शंकराचार्य जी का अधिष्ठान है उसी का दायित्व लिए और आज हम लोग इधर उपस्थित हुए उनके आशीर्वाद सुनने के लिए। तो मैं आप और आपका बीच में बाधा होकर खड़ा नहीं हो सकता हूँ। मैं स्वामी जी को अनुग्रह करता हूँ जी ये अवसर पे आप इसरो को वैज्ञानिकों को उनका आशीर्वाद प्रवचन देंगे।
जानाति इच्छति करोति का नियम दार्शनिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक तीनों धरातल पर चरितार्थ है। कर्म या क्रिया के मूल में इच्छा शक्ति होती है, इच्छा शक्ति के मूल में ज्ञान शक्ति होती है। बिना ज्ञान के इच्छा संभव नहीं है और बिना इच्छा के कार्य की निष्पत्ति संभव नहीं है। किसी आधार पर विचार करें तो संपूर्ण जगत में जो चमत्कृति है वह ज्ञान का उल्लास और विलास है। आस्तिक नास्तिक भौतिक अभौतिक सिद्धांत में आस्थानित व्यक्ति जहाँ तक उनकी दृष्टि है, मन के माध्यम से, नेत्रों के माध्यम से या यंत्रों के माध्यम से, केवल उतना ही संसार का अवलोकन करें, उसके ऊपर विचार करना प्रारंभ करें तो वे इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे, विचित्र आश्चर्यों से परिपूर्ण यह जगत है। यहाँ सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, ग्रह नक्षत्र भी है, पृथ्वी भी है, पानी भी है, प्रकाश भी है, पवन भी है, आकाश भी है, विविध स्थावर प्राणी तरलता गुण इत्यादि भी है। चीटी चिड़िया से लेकर पशु और मनुष्य जंगम प्राणी भी परिलक्षित होते हैं। इन प्राणियों तक हमारे मन की गति दिव्यता के बिना संभव नहीं है। ये देवता, ऋषि, गंधर्व आदि वैदिक वाङ्मय के माध्यम से जाने जाते हैं। मैं संकेत करना उचित समझता हूँ या जो सृष्टि है या हमको सोचने के लिए प्रेरित करती है कि इसका कोई निर्माता होगा। सामने माइक नामक एक यंत्र है जो प्लास्टिक और लोहा के द्वारा बनाया गया है। इस माइक नामक यंत्र का निर्माता कोई न कोई ज्ञानवान, इच्छावान, प्रयत्नवान, चेतन रहा होगा, ऐसी कल्पना करने के लिए हम बाध्य हैं। अगर आजकल की दृष्टि से विचार करें तो ब्रह्मांडों की संख्या का आकलन कठिन होगा। एक ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं। भूलोक पृथ्वी मध्य में स्थित है, ऊपर भुवा स्वाह महाजना तपा सत्यम इन लोकों की प्रतिष्ठा है। नीचे अतल वितल सुकल तलातल रसातल महापाताल इन लोकों की प्रतिष्ठा है। चाहे मंगल ग्रह की बात करें, चाहे चंद्र ग्रह की बात करें, चाहे सूर्य की बात करें, चाहे ध्रुव इत्यादि की बात करें, अंततो गत्वा ये सब चर्चा पूर्व लोक में सन्निहित हैं। और अधिकांश जो ग्रह होते हैं वो तेज प्रधान होते हैं क्योंकि वो प्रकाश और उष्णता विकिरण करने में समर्थ होते हैं। चंद्रमा शीतलता विकिरण करने में समर्थ है, इसलिए उसमें प्रकाश तो है ही, लेकिन पृथ्वी और पानी का संघात होने के कारण उसमें शीतलता भी प्रदान करने की क्षमता है। हमने एक संकेत किया, सृष्टि निर्माण का कोई विज्ञान होना ही चाहिए, सृष्टि के पालन का भी कोई विज्ञान होना ही चाहिए और सृष्टि के संहार का भी कोई विज्ञान होना ही चाहिए। हम तन लता गुण वृक्षों की ओर ध्यान केंद्रित करें, कोई ऐसी शक्ति जो समय पर पत्तियों को उत्पन्न कर देती है, कोई ऐसी शक्ति जो समय तक उन पत्तियों को
परिपुष्ट करती जाती है क्रमशः, कोई ऐसी शक्ति जो समय पर पत्तियों को गिरा देती है। सांख्य की दृष्टि से विचार करें तो उत्पन्न करने वाली शक्ति का नाम रजोगुण है, वृद्धि करने वाली, परिपुष्ट करने वाली, संरक्षण करने वाली शक्ति का नाम रजोगुण है, संहार करने वाली शक्ति का नाम तमोगुण है। वृक्षादि को देखकर भी एक अनुमान होता है कि कोई ना कोई समर्थ चेतन सृष्टि के मूल में है, जिसके संकल्प का उल्लास या विलास या जगत है। वह समय पर सृष्टि की संरचना करता है, समय तक इसका पालन करता है और समय आने पर इसका संहार भी कर देता है। जो भी कार्य होता है उसका विनाश सुनिश्चित है, एक दार्शनिक सिद्धांत है। साथ ही साथ कोई वस्तु उत्पन्न होती है, उसके साथ हमको स्थान विशेष, देश विशेष या क्षेत्र विशेष को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है और काल विशेष को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। देश काल और वस्तु का आकलन साथ साथ चलता है। जैसे भूमि में बीज को हम बोते हैं, कालांतर में अंकुर की उत्पत्ति होती है, किसी क्षेत्र विशेष में, स्थान विशेष में अंकुर की उत्पत्ति होती है, किसी काल विशेष में अंकुर की उत्पत्ति होती है। तो वस्तु की कल्पना करते ही देश और काल की कल्पना भी मन में जुड़ जाती है। कोई व्यक्ति जन्म लेता है माँ के गर्भ से, वह व्यक्ति है, तो किसी न किसी क्षेत्र में जन्म लेता है, जिसको कालांतर में जन्मभूमि कह देते हैं, किसी न किसी काल में जन्म लेता है, जिसके आधार पर जन्मपत्री की संरचना होती है। तो वस्तु का विज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको देश और काल जो उसके साथ संलग्न है, उनका भी विज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, संहार, तिरोधान या निग्रह और अनुग्रह, ये पांच कृतियों का जो विशेषज्ञ होता है मूर्धन्य वैज्ञानिक होता है। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति, उसकी स्थिति, उसका तिरोधान या निग्रह, अनुग्रह और अंत में संहार, इन पांचों शक्तियों के नियामक का नाम सनातन सिद्धांत में परमात्मा है, जो कि चेतन है। वह जगत की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह पांच प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। विशेषकर ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति से संपन्न हम आप चेतन हैं। अगर गंभीरता से विचार करें तो हमारे आपके जीवन में जो बुद्धि और ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से ज्ञान की निष्पत्ति होती है। मन और ज्ञान इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से इच्छा शक्ति की निष्पत्ति होती है। प्राण और कर्म इंद्रियां हैं, उनके माध्यम से क्रिया शक्ति की संपन्नता होती है। हमारे आपके जीवन में किसी भी वस्तु की संरचना के लिए तीनों प्रकार की शक्ति अपेक्षित है, जो कि विद्यमान भी है। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और प्रयत्न शक्ति से हम संपन्न हैं। साथ ही साथ एक विचित्र बात है, आपको हमको स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है। स्वप्नावस्था में इस स्थूल शरीर का भार नहीं होता, इसमें आसक्ति छूट जाने के कारण इससे अतिक्रांत हमारा आपका मन हो जाता है। उस मन में ऐसी ऊर्जा की अभिव्यक्ति होती है कि स्वप्नावस्था में जो कुछ पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, दीप, काल, आकाश पर लक्षित होते हैं और जितने स्थावर जंगम प्राणी होते हैं, ग्रह नक्षत्र इत्यादि भी दृष्टिगोचर होते हैं, सब जीव के मन की कृति मान्य है। हमारे आपके जीवन में स्वप्नावस्था में इतनी शक्ति का उद्रेक होता है कि हम सृष्टि की संरचना कर लेते हैं। स्वप्नावस्था में जो भी सृष्टि होती है वो आत्मचैतन्य से अधिष्ठित मन का ही विलास हुआ करती है। तो हमारे आपके जीवन में अपार ऊर्जा का सन्निवेश है, उस ऊर्जा को अभिव्यक्त करने की सनातन विधा का नाम योग शास्त्र है, वेदांत है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ वाणी के परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी चार वेद हैं। उनमें पश्चंती नामक जो वाणी है उससे सूक्ष्म परा वाणी है। पश्चंती का अर्थ होता है जिस वाणी से योगी देखते हैं। साधना करने पर व्यक्ति के
चित्त में वह क्षमता हो जाती है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने दिव्य पदार्थ हैं उन सब का भान उस योगी को होने लगता है। एक बार संकेत में हम कह दें, आजकल जो काम यंत्रों से हम साधते हैं, पहले उस काम की सिद्धि मन में सन्निहित संयम ऊर्जा के बल पर ऋषि मुनि कर लेते थे, इसलिए यंत्रों की दासता उनको प्राप्त नहीं थी। अगर कोई भी यंत्र आप बनाएंगे, सबसे उत्कृष्ट यंत्र आजकल कौन माना जाता है, जिसमें तीनों प्रकार की शक्ति का वैज्ञानिक आधान या संचार करने में समर्थ होता है। अभी पश्चिम ने इस पर विचार किया, वैज्ञानिकों ने विचार किया, कंप्यूटर ले लीजिए, मोबाइल ले लीजिए, मिसाइल ले लीजिए, इन सब यंत्रों पर विचार करेंगे तो उत्कृष्ट यंत्र हम किसको कहते हैं, उत्कृष्ट यंत्र हम इसको कहते हैं वैज्ञानिक, जो उसके जीवन में ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति तीनों सम्मिलित है, या संक्षेप में कहेंगे तो मेधा शक्ति, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, और प्राण शक्ति, ऊर्जा का जो केंद्र है, दोनों सन्निहित है। वह अगर किसी यंत्र में प्राण शक्ति और प्रज्ञा शक्ति का आधान कर देने में समर्थ होता है, या ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति से संपन्न किसी यंत्र की संरचना करता है, तो उत्कृष्ट वैज्ञानिक कहा जाता है, उसका वह यंत्र भी उत्कृष्ट कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है, हमारे जीवन की संरचना का हमको जितना विज्ञान प्राप्त होता है उसके आधार पर ही हम बाह्य जगत में यंत्रों की संरचना करते हैं। सबसे उत्कृष्ट यंत्र वही माना जाता है जिसमें वैज्ञानिक अपने सूझबूझ के बल पर प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति, अथवा हम यूँ कह सकते हैं ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति का आधान कर देता है। इसका मतलब मनुष्य के जीवन की अनुकृति का नाम ही महायंत्र है। और एक सिद्धांत होता है, कोई भी यंत्र होता है उसके मूल में आपको तंत्र की आवश्यकता होती है, और तंत्र के मूल में मंत्र हुआ करता है। अभी महान भाव ने बताया आपके यहाँ से जो अनुसंधान हुआ उसमें गणित का बहुत बड़ा योगदान है, बिना गणित के तो विज्ञान अधूरा है, क्योंकि मंत्र का अर्थ होता है पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक और काल में जो सिद्धांत सन्निहित हैं, जिनके आधार पर इनकी स्थिति है, इनका संचालन होता है, इनकी अर्थक क्रियाकारिता या उपयोगिता चरितार्थ होती है, उसका साक्षात्कार कर लेना सूक्ष्म बुद्धि से, इसका नाम है सज्जनों मंत्र। भले ही न्यूटन जी को श्रेय जाता हो गुरुत्वाकर्षण का, लेकिन तटस्थ भाव से सत्य के पक्षधर होकर विचार करेंगे तो वेदादि शास्त्रों ने, वैशेषिक न्याय दर्शन आदि ने तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को हजारों वर्ष पहले ही उद्भाषित किया था। आजकल बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर वाले जानते हैं, अरबों की संख्या को भी शून्य और एक में सन्निहित करने वाली जो प्रक्रिया, प्रोसेस, मेथड है, उसका नाम है बाइनरी सिस्टम। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, यजुर्वेद का अध्ययन कीजिए, ऋग्वेद का अध्ययन कीजिए, सामवेद का अध्ययन कीजिए, अथर्वेद का अध्ययन कीजिए, नारद पुराण का अध्ययन कीजिए, विष्णु पुराण का अध्ययन कीजिए, हमारे मनुष्यों ने शून्य और एक का विज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में ही अभिव्यक्त किया था। विकास बात पर थोड़ा कटाक्ष करने की आवश्यकता है, ज्ञान पूर्वक सुनिए, सृष्टि कितनी पुरानी है। अगर सृष्टि को आप पुरानी मानते हैं, मानने के लिए बाध्य हैं, इस पृथ्वी की आयु आप करोड़ों वर्ष पूर्व से पृथ्वी है, करोड़ों वर्ष पुरानी पृथ्वी है, ये भी आप मानने के लिए बाध्य हैं। आजकल के वैज्ञानिक तो आकाश की आयु का आकलन भी नहीं कर सकते, आकाश की भी उत्पत्ति होती है इसको तो जानना भी बहुत कठिन है। तो जब से आकाश है, वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी है, तब से इनको बनाने की क्षमता है, इनका विज्ञान है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि पुराने जो व्यक्ति थे ज्ञान विज्ञान से भिन्न थे।
इसलिए जब विचार करने की आवश्यकता है, जिसकी संरचना पृथ्वी है, पानी है, प्रकाश है, पवन है, आकाश है, 84 लक्ष प्रकार के प्राणी हैं, इसी प्रकार विविध ग्रह नक्षत्र इत्यादि हैं, उसके मस्तिष्क में तो अवश्य ही इन सब तथ्यों का ज्ञान रहा होगा। तो हमने संकेत किया, सज्जनों क्या संकेत किया, जो कार्य आप यंत्र से चलाते हैं उस यंत्र के मूल में भी तंत्र होता है। तंत्र उसको कहते हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, किसी भी वस्तु में सन्निहित जो सिद्धांत हैं जिसके आधार पर उस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है, उसकी सत्ता सिद्ध होती है, उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है, उसका दर्शन कर लेना, उस सिद्धांत को समझ लेना, इसका नाम है मंत्र। उसको यंत्र तक पहुंचाने की प्रोसेस मेथड या विधा, मेथड या विधा का नाम है तंत्र। कोई भी मंत्र यंत्र तक पहुंचने के लिए तंत्र की घाटी पार करने के लिए विवश है, इसीलिए मंत्र को तंत्र का रूप देने के लिए, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का यह तीसरा सिद्धांत है, यह नीति शास्त्र भी है, गणित शास्त्र भी है, विज्ञान शास्त्र भी है, लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण के तीसरे नियम के आधार पर विविध प्रकार के यंत्रों की संरचना हुई। विविध प्रकार के यंत्रों को उद्भाषित करने के मूल में भी आखिर कोई तंत्र होता है, तंत्र का मूल होता है सिद्धांत। अब एक बहुत गंभीर तथ्य है हमारे आपके जीवन में, यंत्रों के विशेषकर महायंत्रों के निर्माण की भावना उदित कब होती है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बाद में खूब समीक्षा भी कीजिएगा। जब व्यक्ति का मन अंतर्मुख होता था, समाधि निष्ठ होता था, इतना सूक्ष्म होता था जैसे एक्सरे की रेल या किरण होती है, बाल और खाल का व्यवधान लिए बिना अंदर के चित्रों को लेने में समर्थ होती है, तब उनके मन की अप्रत्याहत गति होती थी। इसलिए वे देवताओं के अस्तित्व को समझने में समर्थ होते थे। जिन कार्यों की सिद्धि देवताओं के द्वारा हो सकती थी, उन कार्यों की सिद्धि के लिए पुराने महानुभाव विचारक यंत्र का आविष्कार या उपयोग करना उचित नहीं समझते थे। पहली यह चीज, जब उपासना के बल पर, धारणा के बल पर देव शक्ति जो दिव्यता से संपन्न शक्ति, इंद्र, वरुण, कुबेर इत्यादि, इनमें आस्था होती थी, केवल ग्रंथ के आधार पर ही नहीं, साधना सुलभ मन की सूक्ष्मता के आधार पर जब देव दर्शन सामर्थ्य से संपन्न उनका मन होता था, तो जिन कार्यों की सिद्धि देवताओं से हो सकती थी, उन कार्यों की सिद्धि के लिए यंत्रों के आविष्कार की भावना का उनके मन में उदय नहीं होता था। पहली बात। वैसे आप यंत्रों की बात करें तो पुस्तक यान देख लीजिए, प्रदूषण को फैलाने वाला नहीं, प्रदूषण मुक्त संकल्प मात्र से संचालित, न डीजल न पेट्रोल, पुस्तक यान, तो कल्पना तो नहीं है ना, ऐसी ही तथ्य है। तो यांत्रिक दृष्टि से भी देखें, लेकिन हमारे ऋषियों ने जो यंत्रों का आविष्कार किया वो घातक कम सिद्ध हुआ, नहीं के बराबर सिद्ध हुआ, क्योंकि उसका सिद्धांत बहुत वैदिक था। तो हम विषय को उदाहरण ले जाकर हमने संकेत किया, जिन कार्यों की सिद्धि सूक्ष्म दृष्टि के बल पर और वैदिक वाङ्मय में परंपरा में आस्था के बल पर देवताओं से सिद्ध हो सकती थी, जिन कार्यों की सिद्धि देवताओं से हो सकती थी, उन कार्यों की सिद्धि के लिए हमारे महर्षियों ने यंत्रों का उपयोग नहीं किया। अब मंगल ग्रह तक पहुँचते हैं, और नारद जी तो 10 मिनट में वैकुंठ तक पहुँच जाते थे, और वैकुंठ से 10 मिनट में मर्त्यलोक तक आ जाते थे। उनको तो यान की जरूरत नहीं थी, उनकी गति तो अप्रत्याहत थी। हमने एक संकेत किया। दूसरी बात है कि महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार की या प्रयोग की आवश्यकता कब होती है, पशुओं के द्वारा जिन कार्यों की सिद्धि हमारे पूर्वज करते थे, ऊंट, बैल, अश्व, घोड़े इत्यादि,
उन पशुओं से जब जीवन में दूरी बनाने की भावना आई, पशुओं से जिन कार्यों की सिद्धि होती थी, उन कार्यों की सिद्धि जब व्यक्ति यंत्रों के द्वारा करना चाहने लगा, तो महायंत्रों का आविष्कार हुआ। ये महायंत्रों के आविष्कार का दूसरा तथ्य है। तीसरा तथ्य है कि सहयोगी मनुष्य से जिन कार्यों की सिद्धि होती थी, सहयोगी मनुष्यों के बिना या कम से कम सहयोगी मनुष्य के बिना ही कार्य सिद्धि की वासना या भावना का मन में उद्रेक हुआ, तब महायंत्रों का आविष्कार का मार्ग प्रशस्त हुआ। तीन बात हो गई ना, इस पर ध्यान दीजिए। मैंने संकेत किया कि देवता दिव्य शक्ति संपन्न चेतन, पशु चेतन और सहयोगी मनुष्य भी चेतन। देवता से कार्य की सिद्धि हो तो, पशुओं से कार्य की सिद्धि हो तो, मनुष्यों से कार्य की सिद्धि हो तो, चेतन से मन का क्या संयोग बना रहता था। अब देव निरपेक्ष, पशु निरपेक्ष, मनुष्य निरपेक्ष कार्य की सिद्धि की भावना जब जगी, तो व्यक्ति के मन में महायंत्रों के आविष्कार करने का संकल्प उत्पन्न हुआ। महायंत्रों के प्रति आविष्कार प्रयोग की गाथा यह है। और प्रश्न लीजिए, श्रम से बचने की भावना जब मन में आई, तब महायंत्रों के प्रति आविष्कार का मार्ग प्रशस्त हुआ। महायंत्र का अर्थ क्या होता है? कम से कम श्रम। श्रम से बचने की भावना जब मनुष्यों के मन में आई, तो उसने महायंत्रों के आविष्कार पर ध्यान केंद्रित किया। समय बचाने की जब भावना आई, 10 घंटे का काम 10 सेकंड या 10 मिनट में हो जाए, समय बचाने की भावना जब मन में आई, तो उसने महायंत्रों के आविष्कार की ओर अपने मन को लगाना प्रारंभ किया। और अंत में सहयोगी बचाने की भावना जब मन में आई, तो महायंत्रों का आविष्कार किया। कम समय में कम श्रम के द्वारा अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन और उत्पादित वस्तु के उपयोग से मौज मस्तीपूर्ण जीवन, महायंत्रों का आखिर स्वरूप तो यही है ना। महायंत्रों की आवश्यकता क्यों? समय बचाने के लिए, श्रम बचाने के लिए, सहयोगी बचाने के लिए। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, श्रम बचाने के लिए महायंत्रों का आविष्कार किया गया, लेकिन हर व्यक्ति अपने को थका मांदा मानता। सहयोगी बचाने के लिए महायंत्रों का आविष्कार किया गया, हर संस्थान वाले, परिवार वाले कहते हैं सहयोगियों की कमी है। और अंत में समय बचाने के लिए महायंत्रों का आविष्कार किया गया, हर व्यक्ति कहता है समय कम है भाई, आप भी समय पर ही आइए, समय पर ही बोलिए, समय पर ही जाइए। इसका अर्थ क्या हुआ? जिसके लिए श्रम का, समय का, सहयोगी का उपयोग होना चाहिए था, उसके लिए नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति थका मांदा अनुभव करता है, हर व्यक्ति कहता हमारे पास समय नहीं है, हर व्यक्ति कहता हमारे पास सहयोगी नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं भूल तो अवश्य है। अब अधिक सूक्ष्मता की ओर ले चलें, थोड़ा विचार कीजिए। किसी भी उपलब्धि को लेकर तटस्थ रीति से रागव द्वेष विहीन होकर, भावुकता के चपेट से मुक्त होकर, अज्ञान के चपेट से मुक्त होकर विचार करने की आवश्यकता है। हमारे ऋषियों की एक शर्त पर ध्यान दीजिए, वो शर्त क्या? जितने यंत्रों का आविष्कार करना हो कर लो, ऊपर जहां तक पहुंचना हो पहुंच लो, आयुध का निर्माण कर लो, ज्ञान का निर्माण कर लो, जलाशय का निर्माण कर लो, वजन ढोने वाली मशीनों का निर्माण कर लो, लेकिन एक शर्त को स्वीकार करो, ऊर्जा के आस्तिक नास्तिक 5 स्रोत हैं। आपने क्योंकि आकाश का नाम लिया, मैं इसलिए आकाश का नाम भी ले रहा हूँ। नीचे से चलिए, पृथ्वी ऊर्जा का स्रोत है, पानी ऊर्जा का स्रोत है, ये जो तेज प्रकाश सूर्य चंद्र अग्नि ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं, ग्रह नक्षत्र ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं, वायु ऊर्जा का स्रोत है। इन चारों स्रोतों को थामने वाला, साधने वाला आकाश है। इसलिए
आकाश ऊर्जा शून्य परिलक्षित होने पर भी समग्र ऊर्जा के केंद्रों का आश्रय होने के कारण वह भी ऊर्जा का केंद्र मान्य है। हमारे ऋषियों ने एक शर्त दी, क्या शर्त दी? ऊर्जा के पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये चारों स्रोत विकृत, दूषित, क्षुब्ध या कुपित ना हो। आप जितने यंत्रों का आविष्कार करना चाहो मजे से कर लो। आपका ध्यान गया न किधर, आपके मस्तिष्क को ले जा रहा हूँ। आज आप कह सकते हैं पूरे विश्व में कि हमने जितने महायंत्रों का आविष्कार किया, प्रयोग किया, उनसे ऊर्जा के ये चार स्रोत, मुख्य स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत, पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन विकृत नहीं हो गए हैं या हो रहे हैं, दूषित नहीं हो रहे हैं और क्षुब्ध या कुपित नहीं हो रहे हैं, कह सकते हैं क्या? इसलिए हमारे ऋषियों ने समर्थ होकर भी महायंत्रों से विश्व को क्यों नहीं पाता, वो इस रहस्य को जानते थे कि हमारा आपका शरीर प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर पांच भौतिक सिद्ध होता है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, इन पांचों भूतों का तारतम्य संघात हमारा आपका शरीर है। इसलिए पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, उनको धारने वाला आकाश अगर हमने दूषित कर दिया, विकृत कर दिया, इनको यदि हमने क्षुब्ध कर दिया तो फिर हमारा जीवन ही स्वस्थ नहीं रहेगा, मानवोचित स्वास्थ्यशील और संयम से संपन्न नहीं रहेगा। अब हम पूरे विश्व में एक वैज्ञानिक क्रांति उत्पन्न करना चाहते हैं, पूरे विश्व के वैज्ञानिक मिलकर मुझे उत्तर दें। उत्तर जतने पर बिल्कुल नंग नच किए बिना मैं मान लूंगा, क्या वर्तमान में महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग जो हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, उन सब ने पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन को दूषित, विकृत और इतना क्षुद्ध नहीं किया है कि कोई भी जंगम प्राणी स्वस्थ नहीं रह सकता। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आपको बुरा तो नहीं लगेगा, क्योंकि आप वैज्ञानिक, वैज्ञानिक वो होता है जो सत्य का पक्षधर होता है। मनु महाराज ने बहुत स्वस्थ मस्तिष्क से लिखा, सुनिए, मनु महाराज ने बहुत स्वस्थ मस्तिष्क से लिखा, महायंत्र प्रवर्तनम, मनुस्मृति 1163 का यह अंश है, 1163 श्लोक का अंश है। महायंत्र प्रवर्तनम, अगर महामारी फैलाने की भावना हो, विश्व को कलुषित करना हो, महायुद्ध को जन्म देना हो, बेरोजगारी को उत्पन्न करना हो, विद्वेष को उत्पन्न करना हो, स्थावर और जंगम जितने प्राणी हैं उनके अस्तित्व को, उपयोगिता को विलुप्त करने की भावना हो, पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन को कलुषित करने की भावना हो, तो हमारी ओर से छूट है, महायंत्रों का प्राचीन आविष्कार और प्रयोग करो। इतनी बात। अब समीक्षा कीजिए ना, बुद्धिमान वो होता है जो प्राप्त फल की समीक्षा करता है, फिर जो कदम बढ़ाया गया उस पर विचार करता है। थोड़ा विचार करके देखिए, महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार और प्रयोग के कारण ये जितने स्थावर प्राणी हैं, तरलता, गुल्म इत्यादि, जिनको वेदों ने प्राणी माना, मनुस्मृति ने प्राणी माना, महाभारत इत्यादि ने प्राणी माना, तो भारत के लाडले लाल वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने यंत्रों के माध्यम से प्राणी सिद्ध किया कि हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं या नहीं। पवन भी यह देते हैं और आहार भी यही देते हैं, इन्हीं के कारण वर्षा भी होती है। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार होगा, पर्वत सुरक्षित रहेंगे, हाथ कंगन को आरसी क्या, जलाशय शुद्ध रहेंगे, हाथ कंगन को आरसी क्या, पवन दूषित हुए बिना रह सकेंगे, बिल्कुल नहीं। और पृथ्वी के अंदर से खनिज पदार्थों का कर्षण हो जाएगा
और ट्यूबवेल के माध्यम से जगह जगह बोरिंग करके जल निकालेंगे तो जल का स्तर नीचे होगा या नहीं, और वर्षा के स्रोत सब जो निसर्ग सिद्ध प्राकृतिक वर्षा के स्रोत हैं ये सब लुप्त होंगे या नहीं। ऐसी परिस्थिति में जितने स्थावर प्राणी हैं उनके लिए इन महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार उपयोग अभिशाप बन गया या नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। दूसरे जो चींटी चिड़िए हैं इनकी आह इनकी वेदना को समझने योग्य मस्तिष्क हमारा रह गया? इन महायंत्रों के कारण इनकी वेदना या इनकी आह को कोई समझने की स्थिति में है? इनकी प्रजातियों का विलोप हो रहा है, ये इत्यादि की प्रजातियों का विलोप हो रहा है। आगे चलिए, एक मनुष्य स्वयं दूसरे मनुष्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो रहा है। तो मैंने अब तक यह कहा कि महायंत्रों का सिद्धांत समझना चाहिए, लेकिन महायंत्रों के बिना अगर समग्र प्रयोजनों की सिद्धि हो सकती हो तो जहाँ तक बन सके इनके प्रचुर आविष्कार उपयोग से बचकर मंगलमय सुस्थिर विश्व की संरचना करनी चाहिए। अब विज्ञान और विज्ञान में अंतर होता है, थोड़ा मैं संकेत करता हूँ भगवद गीता के 18वें अध्याय के अनुसार। विज्ञान और विज्ञान में अंतर होता है, मैं डंके के चोर से कहना चाहता हूँ, दो मिनट में अर्थशास्त्र बोलना उचित समझता हूँ। श्री सूक्तम वेद ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, श्रीमद् भागवत आदि ले लीजिए, हमारे ऋषियों ने दरिद्रता के जितने स्रोत बताया, आजकल विश्व के जितने अर्थशास्त्री हैं वेद विहीन विज्ञान के कारण उनकी मान्यता ऐसी है कि उन्हीं को समृद्धि का स्रोत मान रहे हैं। एक एक वाक्य पर ध्यान दीजिए, हमारे ऋषियों ने अर्थशास्त्र की दृष्टि से दरिद्रता का जिनको स्रोत उद्घोषित किया, पूरा विश्व विकास के नाम पर दरिद्रता के उन स्रोतों को समृद्धि का स्रोत मान रहा है। ऐसी स्थिति में, और सबसे ऊंची बात क्या है, सबसे ऊंची बात यह है कि देहात्मवाद को लेकर विकसित विज्ञान घातक होता है। सुनिए जोर से, हम भी विज्ञान के पक्षधर हैं, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143वें मान्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्णचर्य महाभाग ने विश्व को 15 ग्रंथ गणित का देना चाहा, उनके शिष्यों के घर में 15 वॉल्यूम अलग अलग खत्म हो गए। मोतियाबिंद की स्थिति में उन्होंने जो एक ग्रंथ लिखा अंग्रेजी में, तो मद्रास के थे, उसका नाम आजकल वैदिक मैथमेटिक्स है, वैदिक मैथमेटिक्स, उसमें 16 सूत्र 16 उपसूत्र संस्कृत के इतने छोटे छोटे वाक्यों को उन्होंने लिखा, अथर्ववेद आदि का अनुशीलन करके 8 वर्षों तक श्रृंगेरी में तप करके उन्होंने उन सूत्रों की संरचना की। आज पूरा विश्व वैदिक मैथमेटिक्स पर लट्टू है या नहीं? ट्रैक्टर की जो गति गणित की थी उसको उन्होंने राजधानी एक्सप्रेस और रॉकेट की गति कर दी, ये वेदों का चमत्कार है या नहीं? ये वैदिक चमत्कार है। एक ही ज्ञान को लेकर हमने आगे ले लीजिए, 192 छोटे छोटे संस्कृत के वाक्य योग दर्शन में है, 192 छोटे छोटे वाक्य इस टाइप की 10 पेज में वो सारे सूत्र समा जाएंगे। 192 व्यक्ति क्या, 92 व्यक्ति भी, 10 व्यक्ति भी विश्व में हैं आजकल, जो इन 192 सूत्रों के रहस्य को ठीक ठीक समझ सकते हो। ऋषियों के छोटे छोटे वाक्य ने, दो चार वाक्य जो है ना आसन प्रणायाम, दो चार सूत्र योग दर्शन के, उनका कुछ अंश जिनको समझ में आ गया वो विश्व में योगिराज के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन सचमुच में अगर 192 सूत्र 192 सूत्रों का अर्थ लग जाए और जीवन में ढल जाए कितना बड़ा चमत्कार होगा। तो हमने संकेत किया सज्जनों, हमने क्या संकेत किया कि आखिर यह विचार करना चाहिए कि हम हैं कौन। विज्ञान के दो भेद, एक विज्ञान हमने बताया शरीर को आत्मा मान करके विज्ञान, ये भौतिकवादियों का विज्ञान है, चेतना विशिष्ट शरीर को आत्मा मान करके विज्ञान। आधुनिक विश्व में भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्योहार रक्षा सेवा न्याय विवाह जितने प्रकल्प हैं
सब के सब शरीर को आत्मा मान करके हैं। और एक विज्ञान वो है कि देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। आज का विज्ञान भी कहेगा ना, गीता का दूसरा अध्याय ले लीजिए, अव्यक्तानि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की आकस्मिक उत्पत्ति नहीं होती और किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता। कोई वस्तु हमको नष्ट होती हुई परिलक्षित होती है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप से कारण रूप से शेष रहती है और कोई भी कार्य एकाएक टपकता नहीं। कारण सूक्ष्म से स्थूल होकर के कार्य का रूप धारण करता है। हमने एक संकेत किया, आखिर हमारा आपका ये प्रथम जन्म नहीं है, आखिर हमारा आपका जीवन क्या है, हम आप चेतन हैं जड़ नहीं है। ऐसी स्थिति में विचार करने की आवश्यकता है कि हमारा आपका जीवन सार्थक कैसे हो, हमारे आपके जीवन की आवश्यकता क्या है, मूल आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार हो। अगर इस पर विचार नहीं करते हैं तो सारे आविष्कार जीवन को सार्थक करने में समर्थ नहीं है। हमारे पास 25 चुनौतियां हैं, लेकिन समय की सीमा में हम केवल संकेत ही कर सकते हैं। सावधान, मैंने क्या कहा, कदाचित किसी व्यक्ति को 70 वर्षों की अवधि में, कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति की आयु है 70 वर्षों की अवधि में कदाचित किसी व्यक्ति को एक साल में 10 ही स्वप्न हुए हों, तो 70 वर्षों की अवधि में उसके 700 शरीर स्वप्न हो गए या नहीं। तो स्वप्न के 700 शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वो व्यक्ति अपना नाश नहीं मानता, शरीर की संख्या 700 हो गई, अपने को 700 नहीं मानता। केवल इस दृष्टांत के बल पर ढंग के किचोर से यह तथ्य सिद्ध होता है कि देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। अब विज्ञान के मूल में क्या है, आवश्यकता तो आविष्कार की जननी आप मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो सचमुच में जो हम जीव हैं, हमारा जीवन सार्थक हो, इसके लिए हमको आकलन ये करना चाहिए कि जड़ की दास्ता पालने पर हमारा जीवन सार्थक होगा, चेतन के उन्मुख करने पर जीवन को हमारा जीवन सार्थक होगा। कल हमने मैनेजमेंट की दृष्टि से एक जगह प्रवचन में कहा था, आवश्यकता अनुसार 5-7 वाक्यों में उसका चित्रण कर देना, आज भी उचित समझता हूँ। सावधान, आखिर पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं है, ये तो आप मानेंगे, पानी पानी के लिए नहीं है, प्रकाश प्रकाश के लिए नहीं है, पवन पवन के लिए नहीं है, आकाश आकाश के लिए नहीं है, कुर्सी कुर्सी के लिए नहीं है, मलाई मलाई के लिए नहीं है, खटाई खटाई के लिए नहीं है, आसन आसन के लिए नहीं है। जितनी भी जड़ वस्तुएं होती हैं वो परार्थ सत्ता वाली होती है, चेतन के लिए है। तो जड़ की अपेक्षा चेतन का महत्व अधिक है, पहली बात यह। सारी सृष्टि हमारे लिए है, इसका मतलब जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं वो चेतन के भोग्य हैं, शेष हैं। उस चेतन को हम जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ये हमने संकेत किया। दूसरी बात यह है, हमारी मूलभूत आवश्यकता क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मूलभूत आवश्यकता क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आप रॉकेट के द्वारा चंद्रलोक पहुंच जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। हमारे पास जो चंद्रलोक भी यहाँ है, मन जहाँ है ना वहाँ वहाँ उसका देवता चंद्रमा भी है। अपने जीवन में भी सारे तत्व हैं, उनको देखने की जरूरत है। हमारे पास नेत्र है ना, जहाँ नेत्र है वहाँ सूर्य भी है, और जहाँ वाक है वहाँ पर अग्नि भी है। अपने जीवन में भी समष्टि और व्यष्टि का तार लगा हुआ है, उसको उस बात को छोड़ लीजिए। अगर ठंडे हृदय से विचार करेंगे तो क्या निष्कर्ष निकलेगा, हमारी आपकी प्रवृत्ति हो या निवृत्ति, उसका ही उसका नियामक कौन है, उसकी भावना क्या है, अर्थात हम किसी कार्य में प्रवृत्ति क्यों होते हैं, किसी कार्य से निवृत्त क्यों होते हैं, उसका पहला नियामक है मृत्यु का भय। और जहाँ मृत्यु का भय होता है वह अमृतत्व की भावना होती है। कि जीव की निसर्ग सिद्ध, इसमें कोई स्त्री पुरुष भाजपाई कांग्रेसी ब्राह्मण क्षत्रिय का भेद नहीं, नर वानर का भेद नहीं,
यहाँ तक कि जंगम स्थावर प्राणियों का भी भेद नहीं है, हर प्राणी मृत्यु के चपेट से जो मुक्त ऐसा जीवन चाहता है जहाँ मौत की छाया भी न पहुंच सके। ये जीवन की निसर्ग सिद्ध आवश्यकता है, इसी के लिए भोजन पानी इत्यादि है। क्या भोजन पानी ये मूलभूत समस्या नहीं है? भूख प्यास उसकी पूर्ति अन्य जल के द्वारा। मूलभूत समस्या क्या है कि हम मौत के चपेट से जिन्हें मुक्त मृत्युंजय पद चाहते हैं। सब जीवी की मूल समस्या ये है। दूसरी समस्या क्या है? जड़ता अज्ञता के चपेट से मुक्त अखंड विज्ञान चाहते हैं। और तीसरी बात क्या है? आवश्यकता दुख के चपेट से जिन्हें मुक्त अखंड आनंद चाहते हैं। अब संभावना पर विचार कीजिए, अगर विश्व में जल का अस्तित्व ना हो तो किसी को प्यास लगे? अगर विश्व में अन्य का भोज्य पदार्थ का अस्तित्व ही ना हो तो किसी को भूख लग सकती है क्या? जब हमारी निःशर्त सिद्ध भावना है कि मृत्यु मूर्खता दुख के टपेट से मुक्त जीवन चाहिए, ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया ना पहुँच सके, ऐसा जीवन जहाँ जड़ता अज्ञता की छाया ना पहुँच सके, ऐसा आनंद जहाँ दुख की छाया ना पहुँच सके। अब कहते हैं कि जब हमारे जीवन में निसर्ग सिद्ध या भावना है, वासना है, इसका विषय भी कोई सच्चिदानंद होना चाहिए, इसका विषय भी कोई होना चाहिए। प्यास का विषय पानी है, भूख का विषय अन्न है। इसी प्रकार हम चाहते हैं मृत्युंजय होना। अमीबा नामक सूक्ष्म प्राणी को छेड़ने पर भी मौत से बचने का वह प्रयास करता है। चींटी चिड़िए को भी छेड़िए और मौत से बचने का प्रयास करता है। एक दुदुमुहा बच्चा भी जो बस पाती है यह क्या यह क्या यह क्या ज्ञान वर्धन की भावना रखता है। और हर व्यक्ति आस्तिक हो या नास्तिक दुख के टपेट से मुक्त होना चाहता है। और गाढ़ी नींद या सुसुप्ति जब हमको सुलभ होती है तो मृत्यु का भय हमको प्राप्त नहीं होता, कामत क्रोधारी के टपेट हम नहीं पड़ते, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों से हम अतीत होते हैं, किसी प्रकार का दुख हमको प्राप्त नहीं होता, आनंद से भरपूर जीवन हमको मिलता है। इसका मतलब क्या है? गाढ़ी नींद में हमारी जो चाह का मुख्य विषय है उसके सन्निकट हम पहुंच जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा प्रतिबंध है जो मृत्यु मूर्खता दुख का बीज सुसुप्ति में भी बना रहता है? मृत्यु मूर्खता दुख के बीज को हम अगर ढूंढ डालने में समर्थ हो सकते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। आखिर चंद्रलोक भी पहुंच जाए, चंद्रलोक पहुंचने पर भी जिस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, ब्रह्मलोक पहुंचने पर भी जिस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, भारत के व्यक्ति अमेरिका पहुंच जाए, अमेरिका के व्यक्ति भारत आ जाए, फिर भी जिस समस्या का समाधान नहीं हो सकता वो समस्या है मृत्यु मूर्खता दुख के चपेट से विमुक्त जीवन। इसलिए यह जो जगत बना है और हमको देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्राप्त हुआ है, अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है, हमारी आवश्यकता का जो सचमुच विषय है उसका अनुसंधान करने के लिए हमको यह जीवन प्राप्त हुआ है। उत्कर्ष का मैं पक्षधर हूँ, लेकिन उपहास की बात यह है, महायंत्रों के माध्यम से महानगर का निर्माण होता है। महानगर का अर्थ होता है जहाँ शुद्ध मिट्टी पानी प्रकाश पवन प्रचुर आकाश सुलभ न हो, इससे परहेज भी हो, मिट्टी से परहेज आए महानगर वालों को। शुद्ध मिट्टी पानी प्रकाश पवन प्रचुर आकाश की गति न हो, इससे परहेज हो। शुद्ध गंध शुद्ध रस शुद्ध रूप शुद्ध स्पर्श शुद्ध शब्द शुद्ध मुस्कान शुद्ध मनोभाव की जहाँ गति न हो उसी का नाम क्या होता है? महानगर। माने महायंत्रों के द्वारा बनाया जाता है महानगर। पर्वत इत्यादि नष्ट कर दिए जाते हैं, नदी इत्यादि विकृत कर दिए जाते हैं, पवन को दूषित कर दिया जाता है, पृथ्वी को खोखली कर दी जाती है और अंत में महानगर में बुरा न मानो होली है, कुलाचार कुल देवी कुल देवता कुल वधु कुल वर कुल गुरु इनकी पहुँच है क्या? बिल्कुल नहीं है। और इनसे विहीन जीवन फिर अंत में हुआ क्या, होता क्या है? संतान उत्पन्न करने और यज्ञ भोजन करने की मशीन बन जाता है। क्या यही मानव जीवन की सफलता है क्या? अगर एक व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए तो छांदोग्य सूची के 7वें 5वें अध्याय के अनुसार
सुभाग दुर्भाग बन जाता है, दुर्भाग सुभाग बन जाता है। आज हम इन लोग पहुंचना चाहते हैं, चंद लोग पहुंचना चाहते हैं, बुरा न मानिए। हम और आप जितने हैं, दस बार चंद्रमा रहे होंगे, दस बार सूर्य रहे होंगे, इसका मतलब कर्म के फलस्वरूप व्यक्ति ऊपर जाकर भी कर्म का क्षय होने पर नीचे आ जाता है। इसलिए हमने संकेत में कहा विज्ञान के दो भेद हैं, शरीर को आत्मा मान करके जो विज्ञान है उस विज्ञान का फल विस्फोटक होता है जैसे कि आजकल, और शरीर को नश्वर मानकर शरीर के नाश से जीव का नाश नहीं होता। इस सिद्धांत में आस्थान्वित होकर जो विज्ञान होता है वो वैदिक विज्ञान होता है, वो कहीं भी विस्फोटक नहीं होता, सब जगह वरदायक ही सिद्ध होता है। तो विज्ञान और विज्ञान में आकाश पाताल का अंतर है। गीता का 18वां अध्याय लीजिए, तमोगुण के कारण जो विज्ञान प्राप्त होता है वो सर्वथा विपरीत होता है, विकास को विनाश, विनाश को विकास, भय को अभय, अभय को भय। इसी प्रकार से रजोगुण के कारण जो विज्ञान प्राप्त होता है यथावत, न पूरा यथार्थ न पूरा अयथार्थ। सत्वगुण की भूमिका में जो वेद विज्ञान हमारे हृदय में टपकता है वो परिपूर्ण होता है। इसलिए श्रीमद श्रीमद भागवत के 34वें स्कंध के 18वें अध्याय के 3रे, 4थे, 5वें श्लोक में भूदेवी ने कहा विपुर राजा से, राजन वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो उपाय हैं उनको ताक पर रखकर अगर उत्कर्ष का कोई मार्ग निकाला जाता है उस मार्ग के दर्द से ही घोर पतन निकल आता है, अपकर्ष निकल आता है। अब थोड़ा विचार कीजिए, सनातन परंपरा प्राप्त भोजन विज्ञान, वस्त्र विज्ञान, आवास विज्ञान, आर्किटेक्ट, वास्तुशास्त्र, न्याय का प्रकल्प, शिक्षा का प्रकल्प, रक्षा का प्रकल्प, कृषि गोरक्ष वाणिज्य का प्रकल्प, सेवा का प्रकल्प, हर व्यक्ति को शिक्षा, रक्षा, अर्थ, न्याय और सेवा के प्रकल्प संतुलित रूप में सुलभ हों, इसकी स्वस्थ तम वैज्ञानिक विधा का नाम सनातन वैदिक आर्य विज्ञान है सज्जनों। और जहाँ तक 2-3 मिनट और कह दूँ, आधुनिक वैज्ञानिक, मैं तो वैज्ञानिकों का बहुत सम्मान करता हूँ, उन्हें देता हूँ, थोड़ा विचार कीजिए। हमारा विज्ञान 1 अरब रुपया खर्च करके भी निष्कर्ष निकालना कठिन है कि पूरे ब्रह्मांड की संख्या कितनी है। हम लोग स्कंद पुराण के आधार पर यूँ कह देंगे 3.5 करोड़ ब्रह्मांड की संख्या, 3.5 करोड़। एक और चमत्कार की बात कह रहे हैं, केवल राम शब्द ले लीजिए, ओम ले लीजिए, पूरी सृष्टि का विज्ञान केवल एक शब्द में हमारे ऋषियों ने समेत कर दिया। कभी फिर संयोग लगने पर पूरी सृष्टि का विज्ञान केवल एक शब्द में समेत है, ओम। इस ओम का अर्थ, राम का अर्थ अगर कोई जान गया, सारी सृष्टि का विज्ञान 3.5 करोड़ हमारे यहाँ ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों की संख्या सुनिश्चित है। और एक विचित्र बात है, अभी प्रयास चल रहा है पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, इनसे बना हुआ 14 भुवनों का ब्रह्मांड, इनकी आयु कितनी पूरी होगी, आयु का अंकन करना कठिन है। और गीता का 18वां अध्याय लीजिए, 31 नील 10 अरब 40 अरब वर्ष इनकी आयु है। तो हमारे यहाँ पृथ्वी की, पानी की, प्रकाश की, पवन की, आकाश की, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड की, इतने समय तक महाप्रलय की दशा में जगत रहता है। हमारे बुश महोदय जब दोबारा राष्ट्रपति होने वाले थे अमेरिका के, उन्होंने एक वाक्य बोल दिया, हमको वह विस्फोट होगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई उनके वाक्य पर। उन्होंने कहा कि हम बाइबल के पक्षधर हैं, मेरा शब्द नहीं, मेरा वाक्य नहीं, बुश महोदय का, उत्तर विभाग मेरे नाम पर मत कुछ करना, ये बुश महोदय का मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी आस्था है। वर्तमान विज्ञान ने बाइबल की सृष्टि की मान्यता पर पानी फेर दिया, अतः सृष्टि को लेकर जो बाइबल की धारणा है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्या कोई कह सकता है डंके की चोट से
गीता ने ना सदी सूक्तम ऋग्वेद के केवल 7 मंत्र ने गीता में कभी सूत्र है केवल ना सदी सूक्तम ऋग्वेद दशम मंडल के 7 मंत्रों ने या गीता ने सृष्टि के बारे में उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह का जो विज्ञान दिया है उससे मैं सहमत नहीं कोई कह सकता है कहेगा तो उसे कहने की आवश्यकता है। आपको विज्ञान अच्छा लगता आदमी साइंस विज्ञान को स्वस्थ दिशा देने की क्षमता जिस विज्ञान में है उसी का नाम वैदिक विज्ञान है। अब बुरा न मानो होली है कि 500 का वाक्य कहता हूँ सावधान आजकल का विज्ञान कहीं वैशेषिक दर्शन पर लटका हुआ गुरुत्वाकर्षण आदि को आजकल का विज्ञान कहीं चारवाक दर्शन पर लटका हुआ है इसी क्षेत्र में आजकल का विज्ञान कहीं जैन दर्शन पर लटका हुआ है आजकल का विज्ञान कहीं शून्यवादी बौद्धों की मान्यता से संलिप्त है। उदाहरण के लिए शून्य को अभाव मानते हैं फिजिक्स वाले भौतिक शास्त्र वाले शून्य के बारे में अभाव जबकि हमने 1000 से अधिक पृष्ठों में शून्य को भाव सिद्ध किया है। हमारे ग्रंथ भगवत के पास सब हिंदी में उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी हो रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के गणितज्ञों ने आकर के हमारे यहाँ गणित पहेलियाँ सुलझाई हैं। हमारे ग्रंथ को लगाना भी कठिन है बिल्कुल 1000 वर्ष पहले जो गणित का सिद्धांत लुप्त हो गया था उसको उद्भाषित किया गया है। अब ये जो शून्य के बारे में अभाव की बुद्धि बनती है ये बौद्ध दर्शन की देन है। तो हमने अच्छा बहुत सी मान्यता सांख्य के अनुकूल है नेचर के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ये मान्यता सांख्य के अनुकूल है बहुत सी मान्यता योग के अनुकूल है लेकिन मैं यहाँ संकेत करता हूँ वेदांत के अनुकूल भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग आदि ने जो मार्ग दिखाया उसके अनुरूप अगर वेद विज्ञान चलता है तो वैज्ञानिक धरातल पर भी भारत सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र सिद्ध हो सकता है और विज्ञान विश्व को अभिशाप न होकर वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकता है। बस एक सूत्र और कहकर प्रवचन को विराम देते हैं सावधान विष्णु जी महाभारत का केवल एक सूत्र क्या है राज्यम पर्यम न कार्य कोई भी राजा शासक अर्थशास्त्र लीजिए कोई भी शासक राजा राष्ट्र को राज्य को बाजार का सौदा न बना लीजिए सारा अर्थशास्त्र हो गया। अब हमारे जितने माननीय महोदय आते हैं तो भारत को बाजार का सौदा बनाने का प्रयास करते हैं उसी के गर्भ से दरिद्रता निकल आती। अब परिस्थिति हो गई कि आप जो बच्चों को विद्यालय भेजते हैं किस उद्देश्य से मन में ये भाव होता है अगर 15 लाख खर्च किया इस पर पढ़ने पर 15 करोड़ कमा कमा ले 15 करोड़ में बिकने योग्य बन जाए बाजार का सौदा बनाने के लिए शिक्षण आपको छोड़कर शिक्षण संस्थान बन गए यानी बाजार का सौदा बनाने के लिए हर व्यक्ति बाबा हो या बाबू प्राय अपने को बाजार का सौदा बना रहा इससे देश का उत्कर्ष होगा क्या। इसलिए हमने कहा अर्थशास्त्र हो धर्मशास्त्र हो कामशास्त्र हो मोक्षशास्त्र हो वैज्ञानिक विधा हो फिजिक्स को भी गणित को भी दिशा देने की क्षमता बहुत है लेकिन हमें कष्ट इस बात को लेकर है स्वतंत्र भारत में ऐसा कोई शासन तंत्र या प्रधानमंत्री का वर्चस्व नहीं दृष्टिगोचर हुआ जिससे अपने इस ज्ञान विज्ञान पर आस्था हो। अगर इस अपने ज्ञान विज्ञान पर 43 मिनटों तक मेरी बातचीत हुई थी श्री राम सेतु को लेकर कलाम जी जब राष्ट्रपति थे 43 मिनटों तक वो डंके के लोग से कहते थे हमने मिसाइल का आविष्कार किया महाभारत से रामायण से समझ गए वो कह सकते थे या नहीं कहते थे या नहीं हमने मिसाइल का आविष्कार किया महाभारत से हमारे यहाँ पे कहते आयुष की बात आप करते हमने वहाँ पर टांगीपुर में दूसरे ढंग से मिसाइल पर लगभग 90 मिनटों तक प्रवचन किया था वेदांत शास्त्रों से चांदीपुर जो उड़ीसा में है बालेश्वर में 90 मिनटों तक मिसाइल पर ही मेरा वेद सम्मत मिसाइल के स्वरूप पर प्रवचन हुआ था। हम केवल इतना संकेत करते हैं सज्जनों ये संकेत करते हैं कि वैदिक विज्ञान के अनुसार अगर विचार करें तो कम से कम रुपये में और घात प्रतिघात की भावना से शून्य दिव्यात दिव्य सामग्री का उत्पादन हो सकता है विश्व के हित में उसका उपयोग हो सकता है। अब किसी वस्तु के दुरुपयोग और सदुपयोग पर
निर्भर करता है। रूस के एक वैज्ञानिक ने जिसने गन का आविष्कार किया, वो रो रहा था, 10 साल पहले उसका प्रवचन आया था, अगर ये समझता नहीं तो राष्ट्रभक्ति के वशीभूत होकर इसका आविष्कार किया, अगर मैं जानता कि इसका कितना दुरुपयोग होता, मैं कभी भी आविष्कार नहीं करता। व्यक्ति की भावना पर भी निर्भर करता है वस्तु के सदुपयोग और दुरुपयोग। अंत में वो उतना ऊंचा वैज्ञानिक होता है तो साधक बाधक भाव का विज्ञान रखता है। विज्ञान में भी बहुत कुछ भेद है। हमने आज के प्रवचन में यह कहा कि अपने देश के विज्ञान को विकसित करना, वैदिक विज्ञान को विकसित करना आवश्यक है। और अंदर की बात में कह दूँ, भारतीय प्रेमचर्य महाराज, इन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स जिसको दिया, उनके अंग्रेज शिष्य और प्रशिष्यों ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। एकाधिकेन पूर्वेण एकन्यूनेन पूर्वेण शिष्यते शेष संज्ञा, ये जो 3 सूत्र हैं यही बाइनरी सिस्टम के आधार हैं। आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा, भारतीय प्रेमचर्य महाराज के जो अंग्रेज गणितज्ञ शिष्य थे उनके प्रशिष्य हुए, उन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया। आज भी गुप्त या प्रकट हमारी मेधा शक्ति का, वैज्ञानिकों की शक्ति का, तो कौन है अमेरिका में संस्थान वैज्ञानिक, नासा ना, व्यापार और विज्ञान दोनों का सम्मिलित संस्थान है। नासा को पूछिए कि भारत के मस्तिष्क, भारत की मेधा शक्ति का कितना उपयोग कर रहा है। ओबामा जी से पूछिए कि आपकी सेवा में अगर 15 चिकित्सक हैं तो कितने भारत के हैं, कहना पड़ेगा उनको कि 11 भारत के हैं। हमारी मेधा शक्ति, हमारी रक्षा शक्ति, हमारी वाणिज्य शक्ति, हमारी श्रम शक्ति पूरे विश्व को उद्भाषित किए हुए है, लेकिन हम में अभी इतनी सत्य सहिष्णुता का उदय नहीं हुआ है कि सबके हित का ध्यान रखते हुए हम अपने वैदिक विज्ञान को विकसित करें और विश्व के लिए वरदान सिद्ध करें। आज भी इन वैज्ञानिकों को जो सफलता मिल रही है गुप्त या प्रकट, हमारे वेदादि शास्त्रों का अनुशीलन करने के कारण मिल रही है, लेकिन वो डंके की चोट से, डंके की चोट से, ताकि इसका श्रेय भारत को न जाए। लेकिन मैं अंत में 2 वाक्य कहता हूँ, भारत के मनुष्यों का स्वरूप क्या है, अभी कालक्रम से विकृत ज्ञान विज्ञान को तपोबल से विशुद्ध करना और कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट करना, ये दायित्व है हम लोगों का। विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना और विलुप्त ज्ञान विज्ञान को प्रकट करना। आप जो वैज्ञानिक हैं, बहुत तन्मयतापूर्वक, भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, आप इतना अपना मस्तिष्क लगाते हैं कि भारत इन मिसाइल आदि के, प्रक्षेपास्त्र इत्यादि के आविष्कार में जो रुपया लगाता है उसका दुरुपयोग ना हो, हमारे प्रयोग सत्य सफल हों, राष्ट्रभक्ति से युक्त आपका हृदय है, इसलिए आपके द्वारा जो परीक्षण चाहे चांदीपुर से हो चाहे आपके द्वारा हो, प्रायः सब के सब सफल होते हैं, क्योंकि राष्ट्रभक्ति से वो तक स्रोत आप वैज्ञानिक हैं। भगवत कृपा से आप जैसे वैज्ञानिक राष्ट्रभक्त देश को मिलते रहे, और सनातन वेद विज्ञान के प्रति आस्था आपके हृदय में जगे, ताकि आप निष्पक्ष होकर वेद विहीन विज्ञान और वेद सम्मत विज्ञान के भेद को समझकर देश को और पूरे विश्व को उत्कर्ष की सीमा तक पहुंचा सकें। हर हर महादेव।